बनाने जा रहे हैं लाइया और मूंगफली के लड्डू। ये हमने पीनट को रोस्टेड कर लिया है, अब हम इसके छिलके हटा रहे हैं और लाइया को भी हमने अच्छे से रोस्ट कर लिया है। हम सारे छिलके अलग कर देंगे। आप देख सकते हैं हमने इसके सारे छिलके ऐसे मसाला करके अलग कर लिया है। और हम इसको अलग कर देंगे छन्नी से। देखिए हमने इसको इस तरह पटक के छिलका अलग निकाल दिया है इसका। अब आप देख सकते हैं हम मूंगफली और पफ राइस मुरमुरे को एक साथ मिक्स कर देंगे। अब आप देखिए हमने गैस की फ्लेम कर दी है ऑन। एक गुड़ इसमें डाल दिया है और हम डालेंगे इसमें थोड़ा पानी इसकी चाशनी बनाने के लिए। जब तक ये मेल्ट होता है हमारा लइया मूंगफली गुड़ मेल्ट होने के लिए रख दिया। मेल्ट होता है ये देखिए इसमें उबाल आने लगा है और ये गुड़ धीरे धीरे मेल्ट हो जाएगा इसी में। आप देख सकते हैं पूरा गुड़ मेल्ट हो चुका है। देखिए अब हम इसमें बादाम और इलायची का पाउडर डाल देंगे तो क्या चाशनी में फ्लेवर आ जाएगा। थोड़ा ठीक हो रही है चाशनी, हम इसे पानी में डालकर चेक कर लेते हैं। भी नहीं आ रहा अब हम इस चाशनी में
एक चम्मच घी डाल देंगे। आप देख सकते हैं ये एक तार की चाशनी बन गई है, देख सकते हैं एक तार की चाशनी बन चुकी है जो जमने की कंसिस्टेंसी में है। अब हम इसमें मुरमुरे और ये ऐड कर देंगे। हम गैस की फ्लेम कर देंगे ऑफ और इसमें मूंगफली और मुरमुरे ऐड कर देंगे। अब हम इसको थाली में पलट लेते हैं लड्डू बनाने के लिए। जैसे मिक्स हो गया गुड़ इसमें, ये देखिए हम ऐसे लड्डू अभी गर्म हुआ गुड़ इसलिए अलग अलग रख लेते हैं। गैस गर्म है कढ़ाई, इसलिए इसको गैस पे रहने दूंगी मैं, इससे लड्डू बन सके। ये देखिए मेरे लड्डू बन के हो गए हैं तैयार। इससे मैं सारे लड्डू इसी तरह बना लूँगी। मैंने पानी रखा है कटोरी में, जो हाथ में इस तरह हाथ में लगाएंगे और फिर गुड़ काफ़ी गर्म होता है तो उसको इस तरह निकाल के रख लें। सारे लड्डू बना लेंगे। तो गाइस हमारे लड्डू बनके हो गए हैं तैयार। लखनऊ में इसे लहिया कहते हैं, इंग्लिश में पफ्ड राइस और हिंदी में इसे मुरमुरे कहा जाता है। मुरमुरे विद पीनट, पफ्ड राइस, पीनट जैगरी मिक्स लड्डू हिंदी में कहेंगे, मुरमुरे गुड़ और मूंगफली के पौष्टिक लड्डू जिन्हें आप बड़ों को भी बहुत पसंद आते हैं और बच्चों को भी। सर्दियों में ये लड्डू अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो ज़रूर बनाएं और प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें। ये मैंने बहुत कुछ अपनी मम्मी से सीखा है, लेकिन मैंने कुछ चीज़ें अपनी सासू माँ से सीखी हैं, उनका बहुत बड़ा योगदान है इसमें। जब वो मम्मी जी बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बनाती हैं तो हम मम्मी जी से दूर हैं, इनको बहुत याद आती है मम्मी के हाथ की चीज़ें, तो मैं वो ही चीज़ें जो मम्मी जी बनाती थी इन्हें बनाकर ज़रूर खिलाती हूँ। ये है मेरी सासू माँ का प्यार और आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।